अलीना, ये 2 दिन से तू ग्रीन कलर की टी शर्ट क्यों पहने जा रही है? अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करूंगी। अच्छा, तो तू सुबह ऑफिस कैसे आई जरा ये बताएगी? स्कूटी पर, और कैसे? ओ मैडम, ये मत सोच लेना कि अब मैं कोई इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर लूंगी, वो सब इंक्रीमेंट मिलने के बाद की बातें हैं। अरे मेरी बहन, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए तुझे कोई इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर की जरूरत थोड़ी है, गवर्नमेंट की ई बसेस है ना, वही यूज करना। सही है यार, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी गो ग्रीन हो रहा है, मेरा देश बदल रहा है। Electra Green Tech is definitely one such name. Look at the stock right now. It's it's 20%. That's the kind of move. It's up 35% just in the last couple of sessions, just in the month of March, and it's had a phenomenal year as well. 35-36% so far in 2023. अगर हम ग्रीन एनर्जी की ही बात करते हैं तो हम ई व्हीकल्स को कैसे मिस कर सकते हैं? आखिर अब तो टेस्ला ने भी इंडिया में आने का फैसला कर ही लिया है। लेकिन आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो 2-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवी कार्स के स्पेस में नहीं है, बल्कि ये कंपनी ई बसेस बनाती है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग की न्यूज़ क्लिप्स में देखा, हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। कंपनी ने महज 10 दिन के अंदर ही अराउंड 20% के रिटर्न्स दे दिए हैं, तो आखिर क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह, चलिए जानते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा, इंडियन गवर्नमेंट भी अब मेरी ही तरह ग्रीन एनर्जी पे फोकस करने लगी है। इनफैक्ट कैबिनेट ने अभी 57,613 करोड़ रुपीज स्पेशली पीएम ई बस सेवा के लिए अलॉट किए हैं, जिसमें 100 सिटीज को 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस मिलने वाली हैं। इनफैक्ट आप अभी भी कोई भी स्टेट के न्यूज देखोगे तो ऑलमोस्ट हर स्टेट इंडिया में इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च कर रही है। मतलब आने वाले समय में ई बसेस मैन्युफैक्चर करने वाली हमारी इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के पास ह्यूज ऑर्डर बुक बन सकती है विद करंट सर्ज इन डिमांड। अब ये सारी न्यूज तो अभी अभी आना शुरू हुई है, लेकिन क्या आपको पता है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक पिछले 6 महीने में ही 200% के रिटर्न्स दे चुकी है? यकीन नहीं हो रहा है ना? इसलिए आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। अगर इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बिजनेस की बात करें तो इनका कोर बिजनेस इंसुलेटर्स का था। आप भी चौंक गए ना? जी हाँ, जिस कंपनी को आज ईवी बसेस के लिए इतने ऑर्डर्स मिलने वाले हैं और जो इतने ईवी बसेस सप्लाई कर रही है और जो इनफैक्ट इसी थीम के चलते मल्टी बैगर रिटर्न्स दे रही है, वो उनका कोर बिजनेस था ही नहीं। इनिशियल फेज में कंपनी का कोर बिजनेस था कॉम्पोजिट इंसुलेटर्स का। आज भी कंपनी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कॉम्पोजिट इंसुलेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप जब रोड साइड से ट्रैवल करते होंगे तो साइड में से पास होने वाली ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन में अपने टार्स या पोल्स के वहाँ केबल के पास कुछ डिस्क जैसी चीज़ें दिखी होंगी, वही होते हैं इंसुलेटर्स। अलग अलग रेंज की लाइन के लिए अलग अलग तरह के इंसुलेटर्स यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कंपनी ये इंसुलेटर्स रेलवे में भी सप्लाई करती है। इनफैक्ट आपने नॉर्मली जो इंसुलेटर्स देखे होंगे वो हो सकता है सिरामिक इंसुलेटर्स हों, लेकिन इलेक्ट्रा जो इंसुलेटर्स बनाती है वो एक स्पेशलाइज किस्म के इंसुलेटर्स होते हैं। आसान भाषा में समझें तो इलेक्ट्रा के इंसुलेटर्स सिरामिक इंसुलेटर्स के कंपेरिजन में लाइट वेट होते हैं, विद ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, लॉन्ग टर्म इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज, इनफैक्ट प्रैक्टिकली अनब्रेकेबल होते हैं। ये एक यूनिक सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी के साथ आते हैं जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट और सॉल्टी एटमॉस्फेयर में भी सूटेबल है। इनके इंसुलेटर्स को बनाने में जो स्पेशल पॉलीमर कंपाउंड यूज होता है उसके चलते ये इंसुलेटर्स के अक्रॉस होने वाले करंट लीकेज को मिनिमाइज कर पाते हैं, जो एक अच्छे इंसुलेटर के लिए इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। इलेक्ट्रा के पास इसके लिए हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां वो सफिशिएंट इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। इस सेगमेंट से कंपनी के रेवेन्यूज फाइनेंशियल ईयर 23 में 14.6% से ग्रो हुए थे, जबकि मार्जिन्स में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। इसकी वजह से इलेक्ट्रा की इस सेगमेंट से आने वाली प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। अब चलिए आते हैं कंपनी के फ्लैगशिप सेगमेंट, जिसके चलते इलेक्ट्रा के शेयर्स आज इतना इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं।
जी हाँ, अब बात करते हैं कंपनी की ई बसेस के सेगमेंट के बारे में। ओलेक्ट्रा को आज ईवी बसेस के सेगमेंट में 7 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। कंपनी आज इंडिया में 7 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर के एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है। ओलेक्ट्रा की बसेस फुल प्रूफ पैसेंजर सेफ्टी टूल से इक्विप्ड होती हैं। ये बसेस रियल टाइम ट्रैकिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस, इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स से भी इक्विप्ड हैं। साथ ही साथ कंपनी ने चाइना बेस्ड BYD यानी कि बिल्ड योर डिजाइन के साथ टेक्नोलॉजी के लिए टाइप किया हुआ है। इस टाइप में कंपनी ई बस बैटरी, चैसी, कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज एंड स्पेयर पार्ट्स का प्रोक्योरमेंट BYD से करेगी। BYD दुनिया की लार्जेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरर्स में से एक मानी जाती है। ओलेक्ट्रा BYD के जॉइंट वेंचर ने इंडिया के ऑपरेशनल इलेक्ट्रिक बसेस का 57.5% मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। कंपनी अभी भी BYD के पास से चार्जिंग टेक्नोलॉजी और सेल्स वगैरह लेती है। कंपनी ने अपने क्वार्टर टू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बताया था कि BYD के साथ उनका टाइप वैसे तो 2025 तक का है, लेकिन ये दोनों ही कंपनी के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। सो ये एसोसिएशन आगे भी अच्छे से कंटिन्यू होगा। इस एसोसिएशन की मदद से कंपनी अपने कस्टमर्स को फास्ट, सेफ और बेटर चार्जिंग सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाती है। अगर कंपनी के इस सेगमेंट की ऑर्डर बुक की बात करें तो इनके पास पिछले क्वार्टर में 75 ईवी बसेस की डिलीवरी के बाद में भी 8,344 ईवी बसेस की नेट ऑर्डर बुक है। इनफैक्ट रिसेंटली ओलेक्ट्रा को MSRTC यानी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से 5,150 इलेक्ट्रिक बसेस और उसके रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है। ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी अप्रॉक्सिमेटली 10,000 करोड़ रुपीज के आसपास मानी जा रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ने फरवरी में अंबानीज के साथ हाथ मिला के हाइड्रोजन बस भी लॉन्च करी थी। एक बारी के हाइड्रोजन रिफिल में ये बसेस 400 किलोमीटर्स चल सकती हैं और ये हाइड्रोजन को रिफिल करने में बस 15 मिनट्स लगते हैं। अब अगर एमिशंस की बात करते हैं तो ये बस सिर्फ वाटर एमिशन करती है। जी हाँ, जरा सोचिए अगर रोड पर ये जहरीले धुएं की जगह पानी गिरने लगे, कमाल की बात है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी एग्जिस्टिंग ईवी बसेस की कैपेसिटी के अलावा बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए ओलेक्ट्रा ने तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड में 150 एकर्स की लैंड ली है। ओलेक्ट्रा बेसिकली ये नए प्लांट पर इलेक्ट्रिक बसेस और दूसरी ईवी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लान कर रही है। इस प्लांट के चलते कंपनी 5,000 ईवी बसेस पर ईयर की कैपेसिटी को टारगेट कर रही है और ये आगे जाके 10,000 बसेस तक स्केल अप करी जा सकती है। इसके अलावा ओलेक्ट्रॉनिक क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 से ई टिपर का सेलिंग भी शुरू किया है। अगर कंपनी के रेवेन्यूज देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में ई बस के सेगमेंट से आने वाले रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, जबकि कंपनी के मार्जिन में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 22 में एक तरफ जहां कंपनी ने 259 बसेस सेल करी थी, वहीं फाइनेंशियल ईयर 23 में इन्होंने 580 बसेस सेल करी हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 23 के रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो इंसुलेटर के बिजनेस से 11.35% जितने रेवेन्यू जनरेट करे थे, जबकि उनके 86.5% रेवेन्यूज ई बस के सेगमेंट से जनरेट हुए थे और कुछ 3% ई ट्रक से। इस बढ़ते हुए सेल्स और मार्जिन्स का ग्रोथ अब तक कैसा रहा है, चलिए एक नजर वहां भी डाल लेते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें तो ओलेक्ट्रा ने अपने सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 76% से कंपाउंड किए हैं, वहीं उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को 200% CAGR से ग्रो किया है। इनफैक्ट कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने में एफिशिएंट है। इसके साथ कंपनी के बैलेंस शीट पे उतना डेट भी मौजूद नहीं है। ये सारी चीज़ें कंपनी को फाइनेंशियली और भी स्ट्रांग बनाती हैं। इनफैक्ट सिर्फ कंपनी के सेल्स और ईवी बसेस के सेल्स के वॉल्यूम इम्प्रूव हुए हैं ऐसा नहीं है, कंपनी के दूसरे रिटर्न्स मैट्रिक्स जैसे कि ROCE में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग भी देखते हैं तो DIIs ने अपना स्टेक पिछले कुछ क्वार्टर्स में इंक्रीज किया है, जबकि FIIs ने अपने स्टेक सेम पीरियड में डिक्रीज किए हैं। अब ये तो बात हुई इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की, लेकिन आखिर ये इलेक्ट्रिक बसेस का मार्केट ओवरऑल देखें तो कैसा रहा है।
तो अगर आप ग्लोबल स्केल की बात करते हो तो फाइनेंशियल ईयर 22 में चाइना के अलावा सारे कंट्रीज में ई बसेस का पेनिट्रेशन 10% से भी कम है। इनफैक्ट यूएसए में तो ये सिर्फ 1% है। इनफैक्ट इंडिया जो कि इलेक्ट्रा का मेन मार्केट है वहां भी ये महज 4% है। लेकिन ये ट्रेंड धीरे धीरे बदलता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट इंडिया की ही अगर बात करते हैं तो इंडिया में भी ईवी इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया यानी कि फेम इंडिया की स्कीम के अंडर फाइनेंशियल ईयर 19 से 5 ईयर्स के लिए 10,000 करोड़ का बजट प्रोवाइड किया था। इसके अंडर गवर्नमेंट पब्लिक एंड शेयर ट्रांसपोर्टेशन के इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स रन करेगी। इसमें गवर्नमेंट 7,090 ई बसेस, 5 लाख E3 व्हीलर्स, 55,000 E4 व्हीलर पैसेंजर कार्स और 10 लाख E2 व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग करने डिमांड इंसेंटिव के फॉर्म में सपोर्ट करेगी। इस स्कीम के अंडर 21st जुलाई 2023 तक 8,982 फोर व्हीलर सेल हुए हैं। फेम 1.0 में इस डिमांड इंसेंटिव के साथ साथ चार्जिंग इंफ्रा, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म और दूसरे कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट किया गया था। लेकिन फेम 2.0 के 10,000 करोड़ के 86% फंडिंग सिर्फ और सिर्फ डिमांड इंसेंटिव्स के फॉर्म में यूज किए जाएंगे। डिमांड इंसेंटिव्स में गवर्नमेंट बेनिफिट्स एक तरह से एंड कंज्यूमर को परचेज के टाइम पे अपफ्रंट डिस्काउंट के फॉर्म में पास ऑन करती है जिससे कंज्यूमर्स में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो। इसके अलावा गवर्नमेंट की स्मार्ट सिटी स्कीम PLI स्कीम और स्टेट EV पॉलिसी भी इस डिमांड को और ज्यादा बूस्ट दे सकती है। और ये सारे इनिशिएटिव्स का इफेक्ट एक तरह से आपको ई बसेस के नंबर्स में देखने को मिल सकता है। कहाँ फाइनेंशियल ईयर 20 में हमारे देश में ई बसेस का पेनिट्रेशन सिर्फ 1% था और आज ये ग्रो होकर 6% तक पहुँच गया है। अब मार्केट में डिमांड तो है ये पता लग गया, लेकिन क्या इलेक्ट्रा अकेले ही प्लेयर है जो ये पूरी डिमांड को कैटर कर रही है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट स्पेस में दूसरे भी कई सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक टाइम पे JBM ऑटो और टाटा मोटर्स जो मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे उनका मार्केट शेयर कम होता गया है जबकि इलेक्ट्रा ने स्लोली बट स्टेडली मार्केट को गेन किया है। इलेक्ट्रा अपने टेक्निकल नो हाउ और डाइवर्स पोर्टफोलियो की वजह से STUs यानी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के पास से भी एक साइजेबल चंक ऑफ ऑर्डर कैप्चर करके बैठी है। इसके चलते कंपनी अब कंसिस्टेंटली टॉप 3 प्लेयर्स में अपनी पोजिशन मेंटेन कर पा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ट्रेडिशनल प्लेयर्स जैसे कि टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड के कंपैरिजन में न्यू एज प्लेयर्स कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर कैप्चर करते जा रहे हैं। सारी चीज़ें कितनी मज़ेदार लग रही है ना इस कंपनी में। लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने से पहले हमें इस कंपनी से एसोसिएटेड रिस्क के बारे में भी ज़रूर सोच लेना चाहिए। तो चलिए कुछ की मॉनिटरेबल एस्पेक्ट्स देखते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी वो है इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके पीछे का मेन रीजन एक तरह से आप देख पा रहे हैं वो है हाई डेटर डेज। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में नॉर्मली ये होता है कि जब कंपनी बसेस की डिलीवरी देती है तो उसका 60% पेमेंट तब या उसके पहले किया जाता है और बाकी का बचा पेमेंट डिलीवरी के 120 से 180 डेज के बाद होता है। लेकिन जैसे कि आप ये ट्रेंड में देख सकते हैं डेटर डेज और वर्किंग कैपिटल डेज दोनों ही नंबर्स में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और इसका एक रीजन है कि कंपनी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी कि SRTUs के अंडर जो इस सेगमेंट को देखते हैं वो SPV यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल के साथ कंपनी के हेल्दी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये ई बस के सेगमेंट के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग डिमांड। इसके अलावा कंपनी के लिए एक और देखने वाली बात है इनके ऑर्डर एग्जीक्यूशन का पोटेंशियल। अगर कंपनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के टाइमलाइंस में कोई भी तरह का डिले करती है तो इन्हें फाइन भी पे करना पड़ सकता है। इनफैक्ट पास्ट में PMPL यानी कि पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड ने इलेक्ट्रा और टाटा मोटर्स पर इसके लिए फाइन भी लगाया था। तो अब कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ नज़र कर लेने के बाद और शेयर प्राइस की महज सिर्फ 6 मंथ्स में ही 200% रिटर्न्स देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या इलेक्ट्रा में स्टीम बची है? मुझे तो नहीं लगता है।
आखिर इलेक्ट्रा ई बस बनाती है तो स्टीम कहाँ से आएगी। वैसे मजाक एक तरफ, लेकिन अगर आप देखते हो तो रिलायंस के साथ डील, गवर्नमेंट का पुश, इतने ऑर्डर्स जैसे मल्टीपल ट्रिगर्स ने इस रिटर्न्स को सपोर्ट किया है। पर अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह ये ई बस हमारे देश में एक ग्रीन रेवोल्यूशन ला रही है, उसी तरह आने वाले समय में क्या ये इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को ग्रीन कर पाती है या ये सारी न्यूज अभी ही प्राइस्ड इन हो चुकी है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको कोई भी तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कंपनी के बारे में डिटेल रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करना चाहिए। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ग्रोके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात हमेशा की तरह याद रखें, ये वीडियोस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.